ये गाना बजाना, ये नाच, ये धमाल, ये बाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, जैसे कि आप ये ढोल बाजा, ये धमाल, ये म्यूजिकल प्रोग्राम देख रहे थे, क्या मकतबे अहले बैत, क्या फिकाए जाफरिया, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नहीं देता, इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा, क्या इनके इस फेल से या हमारे बरादरान के यहाँ मेले के दिनों में वो ढोल लेके जाना हो एक अंदाज से नाच गाना, मसलन इसका, मसलन हमारे बरादरान में किसी भी मकतब का, किसी भी मकतब का देवबंद है, लदीस है, मदरसे के पैसे लेके मदरसे के नाम पर खा जाना, शादी ब्याह पर ढोल बाजा बेबर्दगी करने से सवाल ये है, क्या ये इस्लाम से खारिज हो जाते हैं? ये क्या कुफर के फतवे लगा दें इन पे? मकतबे तशय्यु आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन क्या कुफर के फतवे लगा दिए जाएं? इस्लाम से गुना है अल्लाह ताला की जात के हां ये जवाब दे हैं अफराद। जैसे के हाँ, कुफर कब इस्लाम से खारिज होगा? जब तौहीद, खत्मे नबुवत, कयामत। और अगर फिका जाफरिया मकतबे अहले बैत से ताल्लुक है तो फिर उसके साथ दूसरे नंबर पे अदल, तौहीद, अल्लाह, अदल, आदल और इमामत। खत्मे नबुवत के बाद उस वो जो दीन हम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहुंचाया उसकी हिफाजत के लिए फिर आइमा अहले बैत। इनमें से कोई असूल दीन का इनकार करता है तो इनकार करने पर, न मानने पर इस्लाम से खारिज है। या फरूए दीन है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनका इनकारी इनकार कर देता है, इस सूरत हाल में वो होगा। लेकिन ये सूरत हाल, इस पर ये गाना बजाना, ये नाच, ये धमाल, ये बाजे, इसके इसका गुनाहगार है। और हमारे आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस, रवायात, वो इन चीज़ों की नफी करती हैं। तुमने खुशी मनानी है, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत पे खुशी मनानी है तो उनका तज़किरा करो, उनका उनके फजाइल बयान करो, उनके मनकबतें पढ़ी जाएं, जैसे शोरा कराम जो है वो शान उनकी अजमत बयान करते हैं, वो अजमतें बयान की जाएं, ऐसी रवायात, ऐसी अहादीस बयान की जाएं, उनकी हयात तय्यबा को सामने रख के फिर तज़किया नफ्स, अपने आप में जो गलतियां कोताहियां हैं उनकी सीरत की रोशनी में, उनकी सीरत की पैरवी करते हुए, उनके हयात तय्यबा की पैरवी करते हुए फिर अपने नकायस दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यह तय करना चाहिए उनकी विलादत व सआदत पर कि जो जिंदगी साबका गुजर चुकी सो गुजर चुकी, आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज हम किसी मकसद के तहत जिंदगी गुजारेंगे और हमारा मकसद आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा होगा। ये है असल में, ये तो उनकी इजाजत नहीं है। खुदावंद कुदूस कौम व मिल्लत को इन आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलादत व बासआदत
पर ये अपना तज़किया नफ्स, अपनी कमियां कुताहियां दूर करने की तौफीक अता फरमाए, बजाय इसके कि ऐसे काम किए जाएं जिससे वाइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम नाराज़ हों। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता